हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी महत्वपूर्ण जगहें हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल पहुँचते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी जगहें हैं जो वक्त में कहीं खो सी गई हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ही जगह पर जो शायद अयोध्या, मथुरा या किसी भी और पवित्र स्थान से कम नहीं है। यहाँ आप बड़े ही आराम से पहुंच सकते हो। पहलगाम मार्केट के पास पेट्रोल पंप से राइट लेकर 1-2 किलोमीटर पर ही है मम्मल विलेज। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। मैं इस वक्त हूँ मामलेश्वर टेंपल में, मामल टेंपल भी बोलते हैं। ये मामल विलेज में है और पहलगाम से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इस जगह और इस मंदिर के नाम में ही आपको इस जगह और उससे जुड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में थोड़ा अंदाजा हो जाता है। सो मामल का मतलब होता है डोंट गो, मतलब अंदर नहीं जाने देना। तो उसी बात पे इस जगह का नाम भी पड़ा है, इस गांव का नाम भी है और इस मंदिर का नाम भी है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने की वजह से मंदिर बेहद खूबसूरत लगता है और मंदिर के ठीक सामने 12 फीट का पत्थरों से बना हुआ ये पूल भी है। और जो आप ये वाटर पूल देख रहे हैं ना नीचे, ये पानी है इस टेंपल के नीचे से ही आता है एंड दिस इज एक्सट्रीमली प्योर और यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे ये कलेक्ट हो जाता है। ये जो जगह है ना, ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। और आई एम श्योर कि जो मैं कहानी आपको बताऊंगी, ये 90% लोगों को पता होगी कि ये वही जगह है जहाँ पर माता पार्वती जी ने भगवान गणेशा को अपने डोर के आगे खड़ा किया था कि मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ और आप किसी को अंदर आने नहीं दीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद भगवान शिवा आए, वो नहीं जानते थे गणेश जी कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरा स्थान है, मैं तो अंदर जाऊँगा। और गणेश जी ने बोला नहीं, माँ का आदेश है कि कोई अंदर नहीं आएगा और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूँगा। और इस बात पे जो भोलेनाथ है उनको काफ़ी क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने गणेश जी की जो गर्दन है उसको काट दिया था। तो ये वही स्थान है जहाँ पे गणेश जी का सिर काटा था भगवान शिव जी ने और बाद में जय शिव शंकर, और बाद में उन्होंने क्या किया था, एक हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पे लगा दिया था। और इस तरह से हमारे पूजनीय गणेश जी का जो स्वरूप है, जो हम जानते हैं, वो हमें मिला। इस मंदिर को बनवाया था आज से 1600 साल पहले किंग जयसिम्हा ने। ये मंदिर बना है ऑस्टेयर कश्मीरी आर्किटेक्चरल स्टाइल में। इस मंदिर की रूफ 2-टियर्ड पिरामिडल रूफ है जो अक्सर पहाड़ों में देखने को मिल जाती है। और कहा जाता है कि किंग जयसिम्हा ने इस रूफ के ऊपर गोल्ड का कलश भी जड़वाया था। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है और जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई नहीं था, पर किसी ने यहाँ पूजा जरूर की हुई थी। ये जगह कितनी वैल्यूएबल है ये आपको अब पता चल ही गया होगा। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कश्मीर घूमने आते हैं, हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बट जो हमारी ये एंशियंट धरोहर है यहाँ पे आप ज़रूर आए, ज़रूर विज़िट कीजिए। ये अनछुई जगह है, भूली हुई जगह है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बताते भी नहीं हैं।